आगास कानपुरिया के फिनाले के संबंध में 16 जून को मिडास के प्रधान कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मिडास के डायरेक्टर उपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि आगास कानपुरियों का ग्रैंड फिनाले 21 जून को लाजपत भवन मोती झील कानपुर उत्तर प्रदेश में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि पहले फिनाले का आयोजन रेलवे ग्राउंड निराला नगर में किया जाना था, लेकिन धारा 144 के कारण फिनाले का स्थान बदला गया है। उपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि फिनाले में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल, विजय कपूर चेयरमैन दादानगर कोऑपरेटिव स्टेट, एक्टर अनु अवस्थी, डांसर स्वाति तिवारी, एक्टर रियाज कुरैशी, बैली डांसर एलेक्स मैम्पलेना, डोमिनिक मार्टिन उप जूनियर गोविंदा, अमरजीत सिंह पम्मी सहित अन्य कई टीवी कलाकार शामिल रहेंगे। सुनिए क्या कहा उपेंद्र मिश्रा ने। साथ ही आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसके पीछे एक विशेष कारण भी है, और लगभग जो भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं उस कार्यक्रम के दो चार दिन पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारी चर्चाएं हैं हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उसका तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि मीडिया के माध्यम से अगर वो चीज़ लोगों के बीच में जाती है तो कहीं ना कहीं उसका एक अलग महत्व होता है। तो आज भी 21 जून के चार दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। 21 जून 2023 आगाज कनपुरियों का इस कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया गया था। इस कार्यक्रम में भव्यता लाने के लिए हमने निरंतर ऑडिशंस किए। 5 ऑडिशन करने के बाद अभी लास्ट 4 जून को हमने सेमीफिनाले का आयोजन किया, जिसमें मुंबई जगत से हमारे कई सेलिब्रिटीज़ आए, वो भी आप सभी लोगों के माध्यम से कवर हुआ। और सेमीफिनाले के बाद अब हमारा ग्रैंड फिनाले है 21 जून 2023 आगाज कनपुरियों के नाम से जो आ रहा है। ये कार्यक्रम जो सुनिश्चित किया गया था पहले रेलवे ग्राउंड निराला नगर कानपुर उत्तर प्रदेश के लिए किया गया था, किंतु धारा 144 लागू होने की वजह से ओपन ग्राउंड की परमिशन नहीं मिल पाई, जिस वजह से इमीडिएट हम लोगों ने स्थान को चेंज किया और अब यह कार्यक्रम हम लोग लाजपत भवन कानपुर उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में जैसा कि पहले बाबा बागेश्वर धाम को हम लोगों ने इनवाइट किया था, चूँकि परमिशंस कैंसिल हुई और भी चीज़ें कैंसिल हुई तो इनका भी प्रोग्राम हमें कैंसिल करना पड़ा। मुख्य अतिथि के रूप में अभी जो हमारे साथ में रहेंगे हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी रहेंगे। मुरारी लाल अग्रवाल जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और इनके द्वारा ही हम लोग जो भी हमारे मुंबई से सेलिब्रिटी के रूप में आ रहे हैं या जो हमारे मुख्य अतिथि हैं या जो हमारे मिडास परिवार के संरक्षक हैं विजय कपूर जी, मुरारी लाल जी के द्वारा ही सबका स्वागत और सम्मान कराया जाएगा। अधिक जनसंख्या में लोग आने थे, लाजपत भवन में जो कार्यक्रम करा जा रहा है जी, कैसे क्या जनसंख्या को मैनेजमेंट करेंगे, प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाएं? देखिए प्रशासन की तरफ से परमिशन हम लोगों ने आज कल लगा दिया है और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं रहेंगी वो रहेंगी ही, प्लस जो हम लोग की अपनी बाउंसर्स टीम्स है वो उसको पूरा मैनेज करेगी। सर किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं दिखाई दे रहा है जनता में, आम पब्लिक में, क्या कहना चाहिए? सर प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा तो आप मीडिया के माध्यम से ही हो रहा है, लगभग आप लोग खुद ही देख रहे हैं, लगभग 500 से 700 अखबार हमारे हर कार्यक्रम को प्रमोट कर रहे हैं। और रही बात प्रचार प्रसार की, सोशल मीडिया पर लगभग जो भी टूल्स अवेलेबल हैं सभी पर ज़बरदस्त तरीके से इसका मिडास का प्रमोशन चल रहा है। उप मुख्यमंत्री जी का सुनिश्चित हुआ है और मुख्यमंत्री जी का सुनिश्चित हमारा नहीं हो पाया है। लगभग जो हम लोगों ने सेमीफिनाले में 322 बच्चों की परफॉर्मेंस लिया था, उन 322 बच्चों में से प्रत्येक कैटेगरी में 20 बच्चों को सिलेक्शन किया है, 120 बच्चे हमारे परफॉर्मेंस 21 जून वाले प्रोग्राम में करेंगे। इसमें हमारे जो नेक्स्ट ग्रैंड फिनाले है इसमें हमारे डोमिनिक मार्टिन जी के साथ ही वर्ल्ड फेमस बैली डांसर एलेक्स मैम्पलेना जी, अनु अवस्थी जी, रियाज कुरैशी जी जिनकी लगातार अभी 2-3 फिल्में हिट हुई हैं और गदर 2 पे अभी वर्क उनका चल रहा है, प्लस इस समय कानपुर से जो जबरदस्त नाम कमाया है डांसिंग की दुनिया में
स्वाति तिवारी लगातार 13-14 फिल्में इधर हिट दिया है, उनको हमने एज ए स्पेशल गेस्ट के रूप में स्वाति तिवारी जी को इनवाइट किया है। अच्छा ये बताइए, ये जो सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल हो जाएगा, उसके बाद बॉम्बे में जो फिल्म सिटी से संबंधित एक एग्रीमेंट होता है जो एक्टर को ले होता है, उसमें आपके कितने लोगों से एग्रीमेंट है? किस चीज़ के लिए हम समझ नहीं पाए? फिनाले में आपका फाइनल हो गया, बच्चों का प्रमोट हो गया, उसके बाद जो बॉम्बे में लिस्ट बना के फिल्म एक्टर के लिए भेजा जाता है, साइड एक्टर होते हैं, फिल्म फ्रेमिंग एक्टर होते हैं, उनके लिए जो मांगे जाते हैं उसके लिए लिस्ट के लिए? सर देखिए, ये लिस्ट जो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन ही आपका गलत है। एक्चुअली जब बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं तो उनको एक्टर वहाँ पर रोल नहीं दिलाते हैं, वहाँ पर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स उनको रोल दिलाते हैं, और वो डायरेक्टर्स हमारे चंदर बरेली जी, म्यूजिक डायरेक्टर बाबा जागीरदार, ये सब लोग यहाँ पर बैठेंगे, जब बच्चों का सिलेक्शन होगा तो उनको रोल दिया जाएगा। क्वेश्चन आपका गलत था इसलिए हमने उसको क्लियर किया। जो फाइनल में हमारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो बच्चे हमारे यहाँ इस पर सेलेक्ट होंगे, उनको अपने जो प्रोजेक्ट हमारे हैं उस पर ही हम लोग वर्क दे रहे हैं। जैसे भैया जी घर पर हैं सीरियल का मैंने अनाउंसमेंट आपको किया, नो कॉलेज फुल नॉलेज फिल्म का आपको अनाउंसमेंट किया, तो हम किसी अन्य प्रोजेक्टों पे ना करके जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर्स हैं उनको ही वहाँ पर बैठा रहे हैं, और उन्हीं लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपने प्रोजेक्ट पे काम दे रहे हैं। लास्टली आपने देखा होगा कि अनु अवस्थी जी हमारे सेमीफिनाले में भी एज ए जज पैनल और गेस्ट पैनल पर थे, और इस बार फिर से रिपीट है, क्योंकि भैया जी जो घर पर हैं सीरियल आ रहा है, मेन डायरेक्टिंग रूप में डोमिनिक मार्टिन जी और हमारे अनु अवस्थी जी उस पर वर्क कर रहे हैं, इसलिए उनको रिपीट भी इस कार्यक्रम में हम लोगों ने किया है।